कोतवाली थाना अंतर्गत गांव तिधरी में गांव के ही चार दोस्तों ने साथी को घर से बुलाकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी युवक अपने साथी को घर में पेड़ काटने की बात कहकर अपने साथ ले गए थे। उसके काफी देर तक न लौटने पर परिजन आरोपियों के घर पहुंचे तो युवक का सर गोली लगी हालत में खेत में पड़ा मिला। यह देख परिजनों की चीख निकल गई। उन्होंने तुरंत इस मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार सहारनपुर जिले कोतवाली देवबन के गांव तिधरी में दानिश और सोनू अपने परिवार के साथ रहता था। वह यहां मजदूरी का काम करता था। देर शाम दानिश और सोनू को गांव के ही चार युवक उसके साथी घर से पेड़ काटने के लिए कहकर अपने साथ खेत पर ले गए, लेकिन घंटों बाद भी दानिश घर नहीं लौटा। बेटे के काफी देर तक भी घर नहीं आने पर दानिश के परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। बेटे की तलाश करते हुए दानिश के परिजन गांव के ही रहने वाले उसके दोस्त राशिद के घर पहुंच गए। यहां राशिद से दानिश के बारे में पूछा तो उसने धमकी देते हुए कहा कि हमने तो तेरे बेटे को गोली मार दी और उसका सब खेत में पड़ा है। यह सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। खेत पर पहुंचे परिजनों को खेत में दानिश मृत अवस्था में पड़ा मिला। परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जिसे थाना देवबंद के गांव टिगरी में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, सर क्या पूरा मामला है? थाना क्षेत्र देवबंद के ग्राम टिगरी में दानिश और सोनू नाम के युवक की हत्या की गई है। इस संबंध में परिजनों के द्वारा चार लोगों के विरुद्ध नामजद तहरीर दी गई है। अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सर बताया जा रहा है कि पुराने रंजिश के चलते सर वारदात को अंजाम दिया गया है। इस संबंध में विवेचना के बाद ही पता चले कि इनके हत्या के पीछे कारण क्या था। शहजाद जी, जो जिनकी हत्या हुई उनके क्या लगते हैं? चाचा जी, कैसे घटना हुई जी? वो घर से बुला के ले गए चार आदमी, राशिद अबुल हसन, राशिद उल्फ अबुल हसन और वसीम रिजवान मुजरा। क्या हुआ इन्हें, क्या क्या मतलब कैसे? जी एक मजदूरी के लिए ले गए थे, उधर उनकी वहाँ कटाई चल रही थी तो उधर पेड़ काटने का ले गए थे दिहाड़ी पे। क्या लगी है, गोली वगैरह लगी? जी वहाँ गोली लगी इसकी नाट पे, गर्दन पर गोली मारी ले जा के। आप सही नहीं बता पा रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा गुलफान नाम है जी। गुलफान जी, क्या घटना हुई है? ये घटना हुई है, ये मेरा साला लगता है इसको घर से बुला के ले जा गया है मजदूरी के लिए और इसके जाके वहाँ से गोली मारी है और हमें अन्याय चाहिए बिल्कुल। अच्छा, क्या रंजिश, गोली मारी गई है या क्या कुछ मतलब पुराना कोई वो था? पुराना ये तो मेरे को भी मालूम नहीं है, तो इनका ही गाँव का मसला है, नहीं पता है इसके बारे में तो मुझे नहीं पता है। कौन लोग थे वो जिन्होंने गोली मारी है? वो इनके गांव के लोग ही थे। कितनी उम्र है लड़के? लड़के की उम्र 20 साल होगी। अच्छा, आपको इनके नाम पता है कि जो जिन्होंने गोली मारी है? राशिद, इनका एक राशिद नाम थे, एक का वसीम रिजवान मुजरा। अच्छा, तो आपको कैसे पता लगा है घटना के बारे में? घटना के बारे में जैसे वहाँ से किसी ने हमें बताया आके वहाँ से,